जिसमें पैसे, तो मदीना चढ़ रही थी तो मुझे अपने अल्लाह ताला के, अल्लाह का शुक्र है सारे शैसा, देखो पता नहीं क्या जिंदगी लिखी हुई थी, पता नहीं क्या मिली है इसमें, कौन सी बेहतरी है मुझे तो नहीं मालूम ना, ठीक है ना। मैं तो लाई हूँ इन चीजों से, मैं चढ़ते चढ़ते ना कहने लगी थी, मैं तो क्या जिंदगी है यार ये, अलीना माइक तू म्यूट करो पैसे अपना। दे उलट पुलट। ओके बेटा, लेट्स वेट फॉर 2-3 मोर मिनट्स, देन वी विल स्टार्ट अगेन। जी कौन है भाई? सलमान S3129। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या नाम है आपका? बॉन? अरे बॉन क्या होता है, डॉन होता है। सलमान SG129, हु आर यू? सलमान नाम का तो कोई बच्चा नहीं है हमारी क्लास में।
चलो भाई चला गया जो भी था। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बायो का स्टूडेंट है। अच्छा चला गया अब तो। खैर हम आते हैं अपने टॉपिक पर। कल हमने ये निपटाए ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स के, हमारी ट्रांसमिशन किन किन वजूहात की बिना पे खराब हो सकती है, और अगर खराब होती है तो उनको हमने जो नाम दिए हुए हैं ये वो नाम है। ठीक है भाई अब आते हैं थोड़ा आगे। फिर हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कम्युनिकेशन डिवाइसेस का, इसमें हमने स्विच पढ़ लिया था कि स्विच क्या होता है। फिर हमने राउटर भी समझ लिया था कि राउटर का असल काम क्या है। मोडेम रह गई थी। अच्छा भाई मोडेम का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और काफी क्या कहते हैं आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज तो सही आ रही है बेटा, सबको क्या सबको खराब आ रही है मेरी आवाज? नहीं सर सही आ रही है। नहीं सर सही आ रही है। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजा का इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। फिजा तुम्हारा जरा चेक करो अपना इंटरनेट सही करो। अच्छा जी तो मोडेम का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा मोडेम जो वर्ड बना है वो आप सबसे पहले देख ले, यहाँ लिखा हुआ भी है कि मोडेम जो है वो इन दो लफ्जों से मिलके बना है, और ये दो लफ्ज हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मोडेम का जो एमओ है, मोडेम का क्या एमओ, वो मॉड्यूलेटर से आया है, और जो डीईएम है डैम है वो डीमॉड्यूलेटर से आया है। अब देखो हम शुरू से बात किए जा रहे हैं कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है कहाँ है, ये कहाँ गया भाई टॉपिक, ये वाला टॉपिक एनालॉग और डिजिटल वाला टॉपिक, कि हमारा जो कंप्यूटर है वो काम करता है क्या कहते हैं अपना, वो काम करता है डिजिटली। ठीक है लेकिन जो हमारे बीच में ट्रांसमिशन मीडिया है चाहे वो वायर हो या वायरलेस हो वो है एनालॉग। हमारा कंप्यूटर जो करंट जनरेट करता है या सिग्नल्स जनरेट करता है वो डिजिटल फॉर्म में करता है, और जो ले जाने वाला जरिया है तार या वायरलेस वो एनालॉग पे काम करता है। तो मसला ये है कि डिजिटल सिग्नल एनालॉग तार में से या बगैर तार के नहीं जा सकता। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि मुझे आपको अगर लेक्चर देना है भी, आपको अपनी बात समझानी है तो मुझे उर्दू में ही बात करनी होगी, मैं चाइनीज में तो नहीं बोलूंगा ना यार। उर्दू में बात करूंगा तो ही आपके बात समझ में आएगी, आप तक मेरी बात पहुंचेगी, किसी और जबान में बात करूंगा तो बात नहीं पहुंचेगी। तो ये वही वाला मसला यहाँ पर है कि हमारे कंप्यूटर डिजिटल जबान में बात करता है जबकि जो मीडिया है वो एनालॉग जबान में बात करता है, तो वो डेटा लेके नहीं जा सकता डिजिटल। तो हम अपने कंप्यूटर में एक डिवाइस लगाते हैं जो कि अंदर होती है मदरबोर्ड में, आजकल लगी हुई आती है पहले से,
जिसको हम मोडेम कहते हैं, जिसका काम क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर से निकले हुए डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर देना, ताकि वो तार के जरिए या वायरलेस के जरिए ट्रेवल कर सके और जब दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचे, दूसरे डिवाइस तक पहुंचे, तो वहां पे एनालॉग सिग्नल को लेके उसे वापस क्या कर दे, डिजिटल में कन्वर्ट कर दे। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो है ये एक ट्रांसलेटर वाला काम करती है। कौन सा वाला काम? ट्रांसलेटर वाला काम। तो ये डिवाइस हमारे कंप्यूटर में मौजूद होती है फिजिकली, हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल फोन्स में, हर जगह मौजूद हो रही है, होती है, जहां भी डेटा कम्युनिकेशन होती है। ठीक है ना, यहाँ पे यही बात लिखी हुई होगी। मॉड्यूलेशन क्या है? ये है process of converting digital signals into analog signals, यानी मेरे कंप्यूटर से अभी डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट हो रहे हैं और तार के जरिए या वायरलेस के जरिए ट्रेवल हो रहे हैं और आप तक पहुंच रहे हैं, और आप तक पहुंचने पर आपके मोबाइल में जो मोडेम है वो उसको डीमॉड्यूलेट कर रही है, यानी के उस एनालॉग को कन्वर्ट कर रही है डिजिटल के अंदर। यही इसका काम है। अब जाहिर सी बात है, तो ये हमारी मोडेम का काम है। बात समझ में आई कि ये क्या काम करती है, ये वाली डिवाइस? Yes, जहां कहीं भी डेटा कम्युनिकेशन हो रही होगी, डेटा ट्रांसमिशन हो रही होगी, वहां पे मोडेम लाजमी होती है। मोडेम के होने के बगैर हम डेटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं डायल अप मोडेम की। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। ये है डायल अप मोडेम, ये है DSL मोडेम, ये है ISDN मोडेम। ठीक है ना। अब डायल अप मोडेम जो होती है, ये हुआ करती थी, मतलब अब भी होती है, लेकिन अब इसको आप कह लें कि अब नहीं होती। जब आप लोग पैदा भी नहीं होते थे ना, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो तब हम लोग इंटरनेट कैसे यूज करते थे? हमारे घरों में PTCL का फोन हुआ करता था, हम उस फोन की तार को यूज करते थे इंटरनेट के लिए। घर से फोन की तार निकालते थे और वो फोन की तार को हम लगाते थे कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर में वो कहाँ लगती थी? कंप्यूटर में वो ये इस डायल अप मोडेम में लगती थी। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है सामने, ये उस जो है आपका क्या बोलते हैं, ये हम कंप्यूटर में लगाते थे अंदर, मदरबोर्ड के अंदर। और इसका ये जो सॉकेट है, इसका जो पोर्ट है, ये बाहर निकला हुआ होता था। इसके अंदर हम तार लगाया करते थे टेलीफोन की, और टेलीफोन की तार के जरिए फिर हम इंटरनेट चलाया करते थे। तो काम वही है इसका भी, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, लेकिन जो डेटा ट्रांसमिशन हुआ करती थी वो टेलीफोन लाइंस के जरिए हुआ करती थी। तो इसलिए इसका नाम रखा डायल अप मोडेम, क्योंकि इसको आप समझ लें थोड़ा जिस तरह हम फोन में नंबर डायल करते हैं ना, तो इस तरह से इसका कनेक्शन बना करता था। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में डायल अप मोडेम हुआ करती थी। सर उस जमाने में इंटरनेट था? हाँ, उस जमाने में इंटरनेट आ गया था, लेकिन इस तरह नहीं आया था जिस तरह अभी है आजकल। तो गूगल वगैरह नहीं, आजकल इंटरनेट यूज करना बहुत आसान है, उस जमाने में आसान नहीं था।
टेलीफोन की लाइन जो है बिल्कुल मतलब घटिया घटिया कहना सही होगा, मतलब गलत बात तो नहीं होगी, घटिया हुआ करती थी। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाया करता था। एक अजीब सी आवाज भी आया करती थी। फेसबुक पे वो लोग बनाते हैं ना कुछ लोग फनी वीडियोस जो बनाते हैं, तो वो लोग अक्सर जो है अपना क्या ये वाले इस पे भी फनी वीडियोस बनाते हैं, क्या बोलते हैं अपना, कि इंटरनेट पे ने देखी थी पता नहीं किसी की कि पहले के जमाने में इंटरनेट कैसा था। अच्छा मैं अटेंडेंस भेज दूं आप लोगों की अलग है हाथ। सर पहले के जमाने में इंटरनेट था। कौन से जमाने में बेटा? पहले जमाने में। हाँ पहले जमाने में था। अभी आप कब पैदा हुई हो? 2005 में पैदा हुई हो, 6 में पैदा हुई हो? ओके सर। कब पैदा हुई हो तुम, या पैदा ही नहीं हुई? आप लोग 2006-2007 में पैदा हुए हैं ना सब? कोई 13 साल का होगा, कोई 14 साल का होगा अभी है? तो आप समझ लें कि आपसे 10 साल पहले इंटरनेट था पाकिस्तान में भी और दुनिया में उससे भी पहले था। मतलब 10 साल पहले तो आम था, 1995 से तो चलो आम तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोगों के पास था। और इंटरनेट जो बना हुआ है ना वो 1983 से बना हुआ है लोगों के पास जो है, तो ये भी सीन है ऐसा भी है। 1983 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। सबसे पहले ये गवर्नमेंट के पास था 1960s में, लेकिन ये दौर ज्यादा वो नहीं था, आर्पानेट कहलाता था पहले ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद बाकायदा जो ये आजकल हम यूज करते हैं TCP/IP वाला तरीका, ये कब आया है? 1983 में, और तब से लेके अब तक ये बेहतर होता गया है। ये चेक करें जरा आप ये वाली पिक्चर, 1958 में आर्पानेट बना और ये 62 तक चलता रहा। फिर 1965 में एक और फॉर्म आई इसकी IMP, फिर 1983 में बाकायदा NSF नेट आ गया, फिर ये 1993 में ये डायलअप वाला चक्कर आ गया, और फिर ये 1995 में वर्ल्ड वाइड वेब इजाद हो गई, जो हम देखते हैं ना हर चीज से पहले www ये जो लिखते हैं, ये वाला चक्कर ये तब आया, और ये तभी गूगल भी बना है। ये भी अच्छी पिक्चर है भाई, इसमें भी टाइमलाइन बता रहे हैं आपको कि कौन कौन सी अहम चीज या मशहूर चीज कब कब बनी है। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे अपने, ठीक है भाई। तो अब आ जाए भाई DSL मॉडेम। अब DSL मॉडेम बेसिकली क्या है? डायलअप मॉडेम की अच्छी फॉर्म है। DSL मॉडेम क्या है? डायलअप मॉडेम की अच्छी फॉर्म है। थोड़ा सा इसमें देखो, ये एक ये तार आ रही है, टेलीफोन की तार लग रही है इसके अंदर, ठीक है, और ये जो चार तारें हैं पीली वाली, इसमें से एक तार लगी, एक लगा ली आपने, ये आपके कंप्यूटर में लग गई। आपके पास अगर चार कंप्यूटर हैं तो आप चार लगा सकते हैं, मतलब ये स्विच भी है, ये यही आपका स्विच है, यही आपका राउटर है,
हमारे घरों में जो होता है वो भी तकरीबन ऐसा ही होता है, ठीक है ना। इसमें स्विच बिल्ट इन होता है, ये जो एक से चार लग जाते हैं, जो वैसे हमने स्विच पढ़ा है उसमें ज्यादा होता है, ठीक है ना। 100 तक जा सकते हैं, 100 से भी ज्यादा वाले होते हैं, लेकिन इसमें राउटर में छोटे वाले में कॉमन से वाले में इतना ही होता है। तो DSL बेसिकली क्या है, ये डायल अप मॉडेम में जो कमियां थी, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाया करता था वगैरह वगैरह, ये वाले सारे पंगे DSL में नहीं होते थे। DSL बेसिकली डायल अप को अच्छा किया गया था, ठीक है। अच्छा, अजान हो रही है, अजान के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। कशफ कहाँ गायब हो गई है? ओके, तो DSL उसमें थोड़ी अच्छी वाली मोडेम होती है, ठीक है, और इसको हम एज अ राउटर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अच्छी चीज आई वो ये आई ISDN, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लें, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब ये भी क्या करती है, ये भी टेलीफोन लाइंस को ही इस्तेमाल करती है,
लेकिन अच्छा पहले क्या होता था डायलअप और डायलअप मॉडेम में और डीएसएल में, जब आप फोन यूज कर रहे हैं तो आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, और जब आप इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं तो आप फोन यूज नहीं कर सकते, ये मसला था, क्योंकि फोन की भी एक ही तार आ रही होती है आपके घरों के अंदर। लेकिन ISDN ने हमें ये दिया था कि आप ISDN मॉडेम घर पे लाएं और उस ISDN मॉडेम के जरिए आप एक ही वक्त में टेलीफोन भी यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर पे इंटरनेट भी चला सकते हैं। ISDN ने ये किया। हम जो अपने घरों में यूज कर रहे हैं राउटर, वो DSL वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के घरों में PTCL का होता है तो वो उससे फोन भी चला रहे होते हैं, उससे इंटरनेट भी यूज कर रहे होते हैं, तो वो है आपका ये ISDN मॉडेम होती है, वो लोग ये यूज कर रहे होते हैं। ये ज्यादा फास्टर है, थोड़ा सा महंगा भी है। बेसिकली हुआ क्या है, तीनों में डायल अप में, DSL में और ISDN में ये वक्त के साथ साथ बनती गई हैं और पहले से बेहतर होती गई हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कि भाई ये हर किसी में टेलीफोन लाइन क्यों घुस रही है। देखो टेलीफोन लाइन इसलिए घुस रही है कि जिस जमाने में ये बनी है ना, ये बस ISDN का जमाना समझ लें, आपके पैदा होने का जमाना ही है। जिस जमाने में ये बनी है ना, तो उस जमाने के अंदर टेलीफोन ही हुआ करते थे, तो इंटरनेट को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका उस जमाने में यही था कि आपके पास जो टेलीफोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब जो पूरे शहर के अंदर टेलीफोन की लाइनें बिछी हुई हैं, ठीक है ना, हर किसी के घर में टेलीफोन है। आजकल तो नहीं होता, पहले हुआ करते थे, तो लोगों ने फिर तो सबसे आसान तरीका यही था कि इन्हीं टेलीफोन की लाइन्स को यूज करते हुए आप इंटरनेट भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि बाकी दोबारा से नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में टाइम लगता। फिर बाद में क्या हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल्स बने, मोबाइल्स मशहूर हुए, मोबाइल काम आए लोगों के, उन्होंने बोला यार पाकिस्तान में तो बहुत लोग हैं, मोबाइल तो बहुत चलेगा, तो फिर उन्होंने ये वायरलेस सेटअप भी डाला मोबाइल फोन वाला, ठीक है ना, वायरलेस सेटअप डाला पूरे कराची में। जैसे पहले टेलीफोन की लाइन हुआ करती थी, पूरे कराची में आपको हर जगह मोबाइल के सिग्नल भी मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है ना, इतना खर्चा किया है कंपनियों ने, अब कोई भी कंपनी तब तक खर्चा नहीं करेगी जब तक उसको ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं अपना, रिटर्न नहीं मिलेगा, कारोबार नहीं मिलेगा। देखो ना, कंपनियों ने टावर लगा दिए, वायरलेस वाले सब कुछ कर दिया है। अब आप बोलोगे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, भैया पैसे मिल रहे हैं ना, हम लोग बैलेंस डलवा रहे हैं, 100 रुपए का बैलेंस डलवा रहे हैं, 200 रुपए का डलवा रहे हैं, फोन कर रहे हैं तो फोन कर रहे हैं, हमसे पैसे नहीं काट रहे क्या, काट रहे हैं ना भाई, हम इंटरनेट के पैकेज करवा रहे हैं, पैसे काट रहे हैं, तो ये सब चीजें। अच्छा ये देखो, ये मैं जब थी, ये मुझे मोडेम पड़ी हुई मिली अभी, ठीक है ना, इतनी सी होती है ये डायल अप मोडेम ही समझ रहे हैं आप इसे, ये मेरे कंप्यूटर में भी थी, आपके कंप्यूटर में भी होगी, दिख रही है, समय खराब हो गई है फिलहाल तो। अब ये कभी पीसी के हिसाब से लैपटॉप पे, लैपटॉप वाली का साइज छोटा होता होगा और जो मोबाइल वाली है उसका साइज तो और भी छोटा होता है। खैर तो इसलिए टेलीफोन का चक्कर है सारा, लेकिन अब ये वायरलेस का चक्कर हो गया है, आप बगैर किसी वायर के भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो समझ लें आप, बेसिकली ये भी आपका डायल अप मोडेम ही है, ये भी क्या है, ये भी मोडेम ही है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये इन्होंने यहाँ पे अलग से क्यों डिस्क्राइब किया, ये तो उसी चीज का दूसरा नाम है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड
उसी मोडेम का ही दूसरा नाम है। मोडेम के बारे में मैंने क्या बताया आपको, अगर आपके कंप्यूटर में मोडेम है तो ही आप कनेक्ट हो सकते हैं नेटवर्क से। यही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का भी काम है, ये भी मदरबोर्ड में ही लगता है, इनका काम क्या यही है। अभी आपकी बुक का फॉल्ट है कि इन्होंने ये बात नहीं बताई कि NIC और मोडेम एक ही चीज होती है। आपके कंप्यूटर में मोडेम होगी तो ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, या तो फिर इन्होंने इसको अलग इसलिए किया है कि देखो डायल अप मोडेम जो है, ये ISDN जो है, ये वाली मोडेम कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, ये अलग से खलग आते हैं बाहर। ये वाली DSL मोडेम कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, ये हुआ करती थी कंप्यूटर के अंदर, आजकल ये होती है। तो उन्होंने इसलिए शायद इसको अलग से डिफाइन कर दिया है, लेकिन वैसे जनरली NIC में और मोडेम में कोई फर्क नहीं है, दोनों का एक ही काम है, कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट कर देना। क्या कर देना? नेट से कनेक्ट कर देना। मोडेम का भी यही काम होता है कि भाई नेट से भी कनेक्ट करती है आपको। तो हमारे लैपटॉप में जो होता है वो वायरलेस मोडेम होती है या वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, कि लैपटॉप में हम ज्यादातर वाईफाई यूज करते हैं, लेकिन और मोबाइल में भी यही होता है हमारे पास छोटे साइज में, लेकिन PC में क्योंकि हम तार से यूज करते हैं तो वायर वाला नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है ना। अच्छा, लैपटॉप में दोनों हो सकते हैं, मेरे लैपटॉप में दोनों है, वायरलेस का ऑप्शन भी है और ये वाला ऑप्शन भी है, ठीक है भाई। इनका काम है आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना। चलो, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अब ये नया टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए इतना काफी है। ओके बेटा, आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले हफ्ते। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।